गाइस इस क्वेश्चन को देखो, इस एमसीक्यू में भी जबरदस्त चीज फंसी हुई है। जबरदस्त इस लिहाज से बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में तो दम है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस लिहाज से बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको बिना पेन पकड़े सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको चीज़ें सिखा रखी है उसके हिसाब से। कैसे? आपसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग एट इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड की है। एंड हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमसे कह रहा आफ्टर 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब 2 सेकेंड के बाद उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी निकल कर आएगी वो आएगी फाइनल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है वो है इनिशियल वेलोसिटी। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है? तो हमसे कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बता दो। तो एक कन्वेंशनल तरीका तो फिर ये है कि फाइनल वेलोसिटी होता है यू प्लस ए टी। वी चाहिए आपको, इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास 20, प्लस ए कितना है 4 का है, टी कितना है 2, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 8, वी इज इक्वल टू हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। आंसर तो आपका इससे आ जाएगा बेशक, लेकिन अगर मैं बैठा हुआ हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आप बैठे हुए हो तो मैं आपको मार खिला दूंगा। आपका आंसर भले ही ये आ जाए, मेरा आंसर भी ये आ जाएगा, लेकिन मैं बड़ी शार्प तरीके से कर दूंगा। कैसे? मैं करूँगा इसको 1 सेकेंड के अंदर अंदर या फिर 2 सेकेंड के अंदर। कैसे करूँगा 2 सेकेंड के अंदर? देखो, मुझे पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। मुझे एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। वो ये है कि एक्सेलरेशन वो चीज़ है जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट लेकर आएगा 1 सेकेंड में। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है पहले से 20, तो 1 सेकेंड बाद देखो 20 इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन 4 का है। तो एक्सेलरेशन वो होता है ना जो वेलोसिटी में चेंज लाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी 20 है तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? उतनी होगी जितना एक्सेलरेशन ऐड होगा। तो एक्सेलरेशन को ऐड कर दो, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड था, 1 सेकेंड के बाद आपको वेलोसिटी चाहिए, तो इसमें एक्सेलरेशन को जोड़ दो। तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 24। 1 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी ये हो गई। अब आपको 1 सेकेंड के बाद और निकालनी है, मतलब 2 सेकेंड हो जाएंगे टोटल। तो 24 है, एक्सेलरेशन आपका अभी भी 4 है, तो 4 फिर से ऐड करो, क्योंकि एक्सेलरेशन ये कहता है कि मुझे ऐड करते चले जाओ, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यही तो कैसे, इसको तो बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन, ठीक है? इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किसके साथ? टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन वो चीज़ है जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट लाता है हर एक सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में इंक्रीमेंट लेकर आएगा 4 का, तो 20 से हो गई, 4 जोड़ने के बाद 24, फिर अगले सेकेंड में फिर का 4, फिर से 4 का लेकर आएगा, तो 24 प्लस 4 कितनी हो जाएगी? 28। तो ये मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह सॉल्व कर दूँ, मेरे पास तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप लोग इस तरीके से भी समझो और वैसे भी समझो जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।